स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस समय आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर वी सिंह मेमोरियल सेंटर सुपर स्पेशलिटी आंख एवं नाक कान गला सेंटर, अभी 2-3 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है और काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और एक से एक आधुनिक मशीनें यहाँ पर हैं आँख नाक गला सभी चीज़ों के लिए। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, अंदर हम चलते हैं और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है जो दूसरी जगह नहीं। अंदर की स्थिति आप देख रहे हैं कि सामने रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ रिसेप्शन काउंटर के बाद से हम अब अंदर की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटिंग हॉल बना हुआ पूर्णतः वातानुकूलित है। ये ऊपर का रास्ता ओटी के लिए जा रहा है, सामने डायग्नोस्टिक्स है, टॉयलेट की व्यवस्था यहीं है, ऑप्टिकल फार्मेसी है, डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल यहाँ बैठती हैं और साथ ही डॉक्टर चिदित आदित्य बैठते हैं रेटिना फेको सर्जन। अंदर हम चलते हैं, अब डॉक्टर साहब से मुलाकात किया जाता है, देखते हैं क्या खा। सामने हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर चिदित आदित्य जी रेटिना एवं फेको सर्जन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी 2-3 दिनों पहले आपने यहाँ का उद्घाटन किया है जी। और यहाँ के लिए आप बिल्कुल नए हैं अभी जी। लेकिन काफ़ी चर्चाएं हैं कि आपने एक से एक अत्याधुनिक मशीनें यहाँ लगा रखी हैं और बड़ी दूर दूर से आपके पास पेशेंट आने, 3 दिन में ही आपको रिस्पांस अच्छा मिलने लगा जी। तो किस तरह की मशीनें आपके पास हैं, क्या क्या हैं, थोड़ा सा आप बताएं इसका विवरण दें पूरा जी। जैसे कि आजकल आपको पता होगा कि आई एक मल्टी स्पेशलिटी स्ट्रीम में डेवलप हो गया है। इसका मतलब है कि आई आँख एक अपने अलग में एक बड़ी स्पेशलिटी हो गई है। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे रेटिना हो गया, बाल नेचर रोग हो गया, समलवाई हो गया, कॉर्निया हो गया। तो मेरा और मेरे फादर की सोच यही थी कि हमारे रीजन में सबसे जो बेस्ट सुविधाएं हमारे लिए मरीजों के लिए पॉसिबल हो वो हम मुहैया कराएँ और बेस्ट सर्विसेज को हम यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे ये हॉस्पिटल शुरू किया है कि जो भी इसमें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हों उनको हम प्रोवाइड करें। और हमारे पास अलग अलग स्पेशलिटी से संबंधित डॉक्टर्स हमारे पैनल में हैं जो रेगुलर तौर पे यहाँ पे विज़िट करें। मशीनें हमने सारी रेटिना डायग्नोस्टिक, ग्लोकोमा डायग्नोस्टिक, हर तरह की जो लेटेस्ट मशीनें आँखों की जाँच के लिए मौजूद हैं दुनिया में, हमने वो सारी मशीनें यहाँ पर इंस्टॉल करी। कुछ टेक्नोलॉजीज़ तो ऐसी हैं जो इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में सेकेंड या थर्ड इंस्टॉलेशन ही है। तो इस हिसाब से हमने फिर आगे की सोच रखते हुए जो भी एक बड़ा ख़ास सवाल ये भी आ रहा है कि आपने मऊ जैसी छोटी जगह पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जी। एक्चुअली मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ। ये हॉस्पिटल जैसे कि नाम है, आप नाम से समझ सकते हैं, मेरे फादर की मेमोरी में इस्टेब्लिश हुआ है। मेरे फादर डॉक्टर रणवीर सिंह मऊ के फर्स्ट आई स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने हमारे लिए प्रेरणा की तरह यहाँ पे हमेशा रहेंगे। और आप उनका सपना साकार करने के लिए काम किया। हाँ जी, कह सकते हैं। अच्छा, अब जिन मशीनों का आप जिक्र कर रहे हैं थोड़ा उन मशीनों को भी हमारे दर्शकों को दिखा दिया जाए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपके कैटलाग पर हमने पढ़ा था कि बच्चों की आँख के विशेषज्ञ जी। तो क्या बच्चों की आँख और बड़ों की आँख में कुछ फ़र्क होता है? जी, बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चों की आँखों में जब बच्चों की उम्र कम होती है तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर हम इसको उस चीज़ को उस टाइम पे अगर नहीं ठीक करते हैं तो बच्चों की एक आँख सुस्त होने का और परमानेंट रोशनी उसमें कम हो जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा हल्का भी जो भी महंगापन और इत्यादि जो बीमारी होती है जिनको आमतौर पर अब तक इग्नोर कर दिया जाता था और बोला जाता था कि बड़ा होगा तो ठीक होगा, तब उसके बारे में सोचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स को उसी समय तवज्जो देकर उसी टाइम पे उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जो बच्चों की आँख वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं जी उनके लिए जी, या बच्चों को, कई बच्चों को जन्मजात मोतियाबिंद होता है या जन्मजात कोई कम उम्र में आँखों के कैंसर होते हैं, जो चीज़ें पहले डिटेक्ट ही नहीं हो पाती थी, अब हम वो सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम टैकल करेंगे। और हमारे यहाँ पीडियाट्रिक इस जो बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ है वो लखनऊ से डॉक्टर प्रोलिमा ठाकर, वो रेगुलर बेसिस पे हमको विजिट करेंगे। कब से कब तक यहाँ मिलते हैं डॉक्टर? अभी तो मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का टाइम रखा हुआ है।
बिना देखे मत काम से देखते करते रहिए, आंख मत मारिए, आंख इधर उधर नहीं मारो, बहुत बढ़िया। ये किस तरह की जांच है डॉक्टर साहब? ये संभलबाई के लिए आंखों के पर्दे की जो नस होती है जी, उसमें कितना डैमेज हुआ है संभलबाई की वजह से ये पता लगाती है जी। क्योंकि संभलबाई में ऐसा होता है कि जो बीच की रोशनी है वो काफ़ी अंत तक बची रहती है, लेकिन साइड साइड से जो विजुअल फील्ड होती है वो सिकुड़ती रहती है। पहले इस तरह की जो जांच होती थी उसके लिए बहुत बड़ा बॉक्स आता था जी, इसके अंदर मरीज को मुंह डाल के करना पड़ता जी जी। हमने इसको पोर्टेबल मशीन यहाँ पे मंगाई है, काफी नई टेक्नोलॉजी है और इसमें वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है जी, जिसमें मरीज को काफी सहूलियत होती है कि मरीज अपने कम्फर्ट में बैठा रहे और वो अपना पूरा टेस्टिंग आराम से करा सकता है। क्योंकि ये टेस्टिंग लंबी टेस्टिंग होती है, 10 मिनट के आसपास इसमें मरीज को लगता है, तो मरीज़ का कंफर्ट इसमें काफ़ी आवश्यक है। अच्छा, इसका एक्यूरेसी क्या होती है? इसकी एक्यूरेसी जितनी भी अभी तक रिसर्च वगैरह हुई है, सो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उस मशीन के इक्विवेलेंट। ये डॉक्टर साहब कैसी मशीन है? जी ये तो बेसिक ऑप्थल आई स्क्रीनिंग की मशीन है और आई एग्जामिनेशन के लिए, ये बेसिक ऑप्थल्मोलॉजी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हर जगह आपको सारे आई हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। ये जो बगल में रखा हुआ है ये काले मोतिया यानी समरबाई के पूरे जांच के लिए, इसकी वजह से कितना डैमेज हुआ है उसके लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड जो अभी माता जी लगाए हुए थे जी जी। अब हम चलते हैं डायग्नोस्टिक के अंदर और यहाँ की भी अत्याधुनिक मशीनें दिखाएंगे आपको कि जो हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही लगी हुई हैं। ये कौन सी मशीन डॉक्टर साहब आपके पास? जी ये तो आंखों का चश्मे का पावर निकालने की मशीन है। कौन वाली? ये वाली। अच्छा, वो चश्मे का पावर अलग से निकालने के लिए जी, जी। और इससे रफ पावर निकलता है, उसके बाद हम इसको फाइन ट्यून करना पड़ता अच्छा। है। अच्छा, ये आंखों का प्रेशर नापने की मशीन है बिना कोई आंख के कांटेक्ट के, तो ये दूर से ही आंखों का प्रेशर नाप लेती है। अच्छा, एयर पफ मार के। अच्छा, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन क्यूबिकल है, ये सारे मरीजों का यहाँ पे जांच होना है, उसके बाद सारे मरीज मेरे द्वारा देखे जाते हैं और किसी मरीज को कोई स्पेशल जाँच की ज़रूरत होती है तो फिर हम वो वापस से इस रूम में सेकेंड क्यूबिकल में। अच्छा, ये क्या है? जी ये हमारा ओसीटी मशीन है। ओसीटी मतलब एक तरीके से आप आम भाषा में समझें तो लाइव बायोप्सी। अच्छा, मतलब बिना किसी सैंपल लिए अगर आप किसी ऑर्गन किसी भी अंग की बायोप्सी कर सकते हैं, तो ये उस तरह का मशीन है। और इसमें आंखों का पर्दा का फोटो लेने का सुविधा भी है और आंखों का एक तरीके से एक्सरे कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, और आंखों की एंजियोग्राफी भी इसमें। तो किस तरह का देखा जाए थोड़ा सा? ये आपके आँख के पर्दे का फोटोग्राफ है, ये आपके आँखों के पर्दे की नस है और इस भाग से रोशनी बनती है। अच्छा, और ये वो बायोप्सी वाला स्कैन है, तो एक तरीके से ये एकदम नॉर्मल आँख है, नॉर्मल स्कैन इसी प्रकार दिखाई देता है। पर्दे ठीक। में टोटल 10 लेयर होती हैं, एक के ऊपर एक्सट्रैक्ट होती है। अच्छा, और डिफेक्टेड जो है? और अगर मानिए कि जैसे इन्हीं इसी मरीज की दूसरी आँख को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सूजन के कारण इतने ज़्यादा एरिया में जी ये काला स्पेस आ रहा है, ये पानी भर गया है पर्दे में। तो अच्छा, पानी भर गया इसमें जी। और ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो फिर उसके बाद हमको इसके ट्रीटमेंट के लिए आंखों में इंजेक्शन द्वारा। तो इस तरह की कंडीशन पहले यहाँ कैसे ट्रेस हो पाती थी? डॉक्टर यहाँ पे इसको ट्रेस कर पाते थे कि नहीं पहले? कई बार इसमें मिस हो जाती थी ये सारी चीज़ें। अच्छा, लेकिन अब मिसिंग के चांसेस नहीं है। क्लिनिकली देखने पे अंदाज़ा लग सकता है, लेकिन कई बार ये सारी पैथोलॉजीज मिस हो जाती थी और मरीज़ों को काफ़ी बाद में पता चलता था कि उनकी आँखों में ऐसी दिक्कतें हैं। अब हमको सही समय रहते अगर हमको ये सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा तो लॉन्ग टर्म कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑलमोस्ट सारी रोशनी वापस आ सकती है ऐसी कंडीशन में।
तो ये जो आपने देखा है ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है यहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के लिए। और इस तरह की मशीनों को देख कर ऐसा लग रहा है कि अब मऊ में कोई भी आँखों की रोशनी से, आँखों की किसी प्रकार की तकलीफ से, दिक्कत से परेशान नहीं होगा। यहीं डॉक्टर साहब के साथ हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की मशीन है, क्या काम इसका है? जी, ये एक लेज़र मशीन है जो आँखों के पर्दे का लेज़र द्वारा इलाज इसमें से हो सकता है। पर्दे में कभी जो लेज़र ऑपरेशन कहा जाता है वही चीज़ें क्या है? लेज़र ऑपरेशन कई तरीके के होते हैं एक्चुअली। एक होता है कि चश्मे का नंबर उतारने का लेज़र ऑपरेशन होता है, वो एक अलग चीज़ है। आमतौर पे जो फेको ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का बिना चीरे का जो ऑपरेशन, छोटे चीरे का ऑपरेशन होता है, उसको भी लेज़र आम भाषा में कह दिया जाता है, लेकिन वो बेसिकली फेको इमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये एक नई चीज़ है हमारे मंडल के लिए, जिसमें आँखों के पर्दे में अगर कोई बीमारी हो जाए जी, जिससे आँखों के पर्दे की ब्लड सप्लाई रुक जाए, बाधित हो जाए, जैसे डायबिटीज़ में हो जाता है जी, या पर्दे में कहीं छेद हो जाए, तो उन चीज़ों को, पर्दे को सील किया जा सकता है उस कंडीशन में, या डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि जो डायबिटिक मरीज़ हैं जिनकी आँखों की रोशनी चली जाती है हाई शुगर की वजह से, उनको भी ठीक किया जा सकता है इस मशीन से, यानी ये इलाज भी अब संभव है। जी जी, बिल्कुल संभव है। और यहाँ दूसरी मशीन कौन सी आपके पास, ये पीछे लगी हुई है? जी, ये भी एक दूसरी तरह का लेज़र है। जब आमतौर पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद लेंस जो डाला जाता है, लेंस के पीछे एक बार को झिल्ली आने लगती है, एक सफ़ेदी पड़ने लगती है, तो उसको हम, अगर उसकी वजह से रोशनी कम हो रही है मरीज़ की, तो फिर हम उसको लेज़र से बिना किसी चीरे टाके के हम साफ़ कर सकते हैं। हम चलते हैं ऑप्टिकल्स एवं फार्मेसी जोन में, अंदर रूम में चलते हैं और यहाँ पे भी देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के एक से एक फ्रेम यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जांच के साथ साथ चश्मा भी बनाने की भरपूर व्यवस्था है, यानी कह सकते हैं कि आँखों का रोग लेके आपको परेशान नहीं होना है। आप डॉक्टर वी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में आएंगे और यहाँ पर आप अपनी आँखों को सही करा के बिल्कुल संतुष्ट होकर के जा सकते हैं। मऊ में जो इस समय लोग आँखों के रोग से परेशान हैं जी, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अब आँखों की बीमारी के लिए आपको इधर उधर, जैसे कि बनारस, दिल्ली, लखनऊ या चेन्नई जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इलाज बेस्ट पॉसिबल मशीनों से उन जगहों पे होता है, वही इलाज अब आपके जनपद में, मऊ में हमारे सेंटर पे। अच्छा, रेट क्या है आपके यहाँ इलाज का, जनरल है या कुछ खास रखा गया है? नहीं, जो आमतौर पे जो हम जानते हैं कि हमारे इस रीजन में लोगों का पेइंग कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कम ही शुल्क रखा गया है ऑपरेशन और इलाज का। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।